नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके मंगल, अक्टूबर के माह में आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपकी प्रोग्रेस, आपके तरक्की के लिए, उन्नति के लिए एक अच्छे रास्ते मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी कि आपकी प्रोग्रेस को आपके फेवर में कन्वर्ट करेंगे। लगातार जो दुविधाएं, लगातार जो प्रॉब्लम परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, उसमें मंगल के सपोर्ट से, सूर्य के सपोर्ट से आपको उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि और आपके बिजनेस में विस्तार का सपोर्ट मिल जाएगा। लगातार जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ दुविधाएं जो चल रही थी, उन उलझनों से निजात, आराम आपको मिलेगा। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा 60% प्लस। आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स के रास्ते रहेंगे, आपकी आजीविका यानी कि आपके धन उपार्जन की जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर के आ रही है। पीछे के मुकाबले धन का उपार्जन, धन की आमदनी, धन का इनकम ऑफ सोर्स आपकी लगातार बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको धन के लाभ इस माह आपको बनने वाले हैं। अक्टूबर के माह में विशेष तौर पर आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ दोनों में वृद्धि होगी। जो उतार चढ़ाव, जो दिक्कतें, जो परेशानियां चल रही थी, उसमें आपको नए रास्ते मिल जाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, समाधान आपको मिल जाएगा। पर्सनल लाइफ में जब वृद्धि होगी तो विवाह शादी के लिए बात चलेगी। पर्सनल लाइफ में वृद्धि होगी तो संतान से संबंधित सुख मिलेगा। शादी हुई है, कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कर पाएंगे। अगर शादी नहीं हुई है और शादी में जो बाधाएं आ रही हैं बार बार, तो शादी का संयोग बनेगा, यानी परफेक्ट पार्टनर के लिए आपको मंगल का सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस माह आपको आपके पारिवारिक मामलों में बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। परिवार के लोगों के साथ में मतभेद, मनमुटाव आदि रह सकता है। आपको अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को कायम रखने के लिए लगातार उस पर प्रयास करने होंगे। जो आलस चल रहा है, जो नेगेटिविटी चल रही है, जो चीज़ें रुक रही हैं, उन पेंडिंग कार्यों को पहले पूर्ण करना होगा। साथ में आपको अभी जो भी काम कर रहे हैं उन कार्यों में प्राइवेसी और बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम करने पड़ेंगे, तभी आपके कार्य सफल होंगे। विशेष तौर पर इस माह आपको अपनी प्रोग्रेस को अपने फेवर में करने के लिए, अपने भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी के कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने परिवार में, समाज में उत्तम पद की प्राप्ति के लिए और भाग्य को और पॉजिटिव बनाने के लिए इस माह आपको विशेष तौर पर कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के चरणों में सिंदूर लगा करके, एक लड्डू का भोग लगा करके और एक लड्डू को अपने सर से घुमा करके चौराहे पर रख करके आना चाहिए। मंगलवार के मंगलवार आप 5 मंगलवार ये उपाय कीजिए। जो चीज़ें रुक रही हैं, जो दुविधाएँ आ रही हैं, वो दूर होंगी, श्री बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होगी और रुके हुए काम जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। अक्टूबर के माह में किस प्रकार की उपलब्धि, सफलता आपको प्राप्त होंगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, लाइफ में जो उलझनें चल रही हैं, लगातार जो परेशानियां चल रही हैं, जो नेगेटिविटी चल रही हैं, वो दूर होंगी या नहीं होंगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके शुक्र,
यानी कि वीनस। वीनस आपकी लग में लग्जरियस के लिए जीवन भर नए नए एफर्ट के द्वारा, नई नई प्रोग्रेस के द्वारा लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए प्रयास कराता है। आप भी वही लगातार कर रहे हैं। अपनी लाइफ में संघर्ष और मेहनत के बलबूते, परिश्रम के बलबूते अपने आप को उच्च पद, नई सफलताओं की तरफ अग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफलता, दुविधा, परेशानी लगातार चल रही है। इस माह आपको पर्सनल लाइफ से संबंधित अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जिसमें आपकी शादी की बातचीत चलेगी, रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, या पर्सनल लाइफ में जो दुविधा परेशानियां चल रही थी, रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही थी, उनमें नए रास्ते खुल जाएंगे और एक दूसरे के संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस का विस्तार, आपके कैरियर में ग्रोथ, जॉब चेंज, परिवर्तन का समय आपका बन रहा है। कुछ नया करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, या नई क्रिएटिविटी से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो नई क्रिएटिविटी से आप उस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। स्टडी पर फोकस करने बैठेंगे तो मन में नेगेटिविटी, मन में दुविधाएं चलती रहेंगी। पूर्ण रूप से स्टडी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, शिक्षा में लाभ मिलने में दिक्कत रहेगी, तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए, आपके पारिवारिक चीज़ों से सपोर्ट मिलेगा, परिवार लोगों का पूर्ण सहयोग होगा आपके ऊपर। साथ ही साथ आपकी जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जो परिश्रम आपका, मेहनत आपकी जो बार बार डूब रही है, उसके लिए आपको सतत प्रयास करने होंगे। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, जो पेंडिंग कार्य हैं उनको पहले पूरा करने का प्रयास करना है, क्योंकि काफ़ी समय से जो पेंडिंग कार्य हैं आपके, वो आपके लिए नुकसानदेह, परेशानी बना रहे हैं। जल्दबाजी में कोई यात्रा नहीं करनी है। किसी को भी पैसा देते समय या कर्जा लेते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। विशेष तौर पर अगर देखा जाए, इस माह भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ आपको अपने लेवल पर भी कुछ उपाय करने होंगे, जिससे आप अपनी ग्रोथ को, अपने अचीवमेंट को, अपनी सफलताओं को जल्दी प्राप्त करेंगे, और जो दुविधाएँ चल रही हैं, कोर्ट कचहरी परेशानियाँ चल रही हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। शुक्रवार के दिन आपको किसी भी सुनसान जगह में, किसी जंगल में, किसी पेड़ के नीचे एक गोले में थोड़ा सा दही भर के आपको उसे मिट्टी में दबाना है। इतना आपको शुक्रवार को एक बार अवश्य करना है, जिससे आपके गुप्त शत्रु, आपकी परेशानियां शांत हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, और आप अपनी प्रोग्रेस और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, अक्टूबर के माह में आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी। लगातार जो उलझन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, लगातार जो दुविधाएं लाइफ में चल रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, कर्जे के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, ब्याज के लिए ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा है, यानी कि जो उलझनों वाला दौर चल रहा है, जो परेशानियों वाला दौर चल रहा है, उससे कितनी राहत आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको आने वाले समय में आपकी प्रोग्रेस कितना बेनिफिट देगी, भाग्य कितना साथ देगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके बुध, और बुध का गोचर आपके लिए अक्टूबर के माह में, अक्टूबर का पूरा माह आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बदलाव लेकर के आ रहा है। लगातार जो उलझन परेशानियां चल रही थी, उनसे राहत मिलेगी, लेकिन आपको अपने कार्यों को बहुत प्राइवेसी, बहुत सीक्रेसी के साथ में करना होगा, क्योंकि खुशी खुशी में, जल्दबाजी में ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, या ज़्यादा कर्जा कर लेंगे, या किसी को अपने कार्य के बारे में बता देंगे तो वो आपका काम रुक जाएगा। तो उस वजह से आपके कार्यों में विलम्ब और प्रॉब्लम आने से टेंशन, परेशानी का आप सामना कर रहे हैं। इसलिए आपको जो भी करना है, बहुत सावधानी से करना है। पर्सनल लाइफ के लिए यह माह आपकी
अच्छा है, विवाह शादी का संयोग बनेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा और विवाहित जीवन में भी एक अच्छी उमंग, एक अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होगा अक्टूबर का माह। विशेष तौर पर आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए भी यह माह आपके लिए पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को शिक्षा में पूर्ण परिश्रम करके अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा संयोग बन रहा है। आप एफर्ट डालिए, सफलता आपको मिल जाएगी। भाग्य का सपोर्ट आपको 75% मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट 75% मिलने से आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपका एटमोसफेयर है, वो आपके फेवर में होगा। लगातार जो दुविधाएं, परेशानियां, जो उलझनें चल रही हैं, वो सब धीमे 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 आपके फेवर में आने लगेंगी। तो लगातार परेशानियां का जो दौर चल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए, आप आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, जॉब में नई सफलताओं से नए रास्ते खोलेंगे। इनकम और सोर्स का रास्ता बन रहा है और आपकी जो धन उपार्जन की स्थिति है उसमें ग्रोथ, उसमें लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस माह आपको जरूरी यात्राओं पर ही जाना है, फिजूल यात्राओं से बचने का प्रयास करना है। धार्मिक आयोजनों पर पैसा खर्च होगा, धार्मिक गतिविधियां लगातार आपकी चलती रहेंगी। भगवती का ध्यान करना है, माता रानी की प्रार्थना करनी है और गणपति पूजन करके गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी है। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद छोटे बच्चों को लड्डू का प्रसाद आपको बांटना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, अक्टूबर के माह में किस प्रकार की उपलब्धि, सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी चंद्रमा, मन का स्वामी चंद्रमा, फीलिंग का स्वामी चंद्रमा, माता का स्वामी चंद्रमा काफ़ी मन को अप डाउन कर रहा है। लगातार अप डाउन चल रहा है, उलझन, परेशानियां चल रही हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। बैठे बैठाए कार्यों में रुकावट, परेशानी आएगी, डिसीजन भी थोड़ा गलत हो सकते हैं, तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो डिसीजन लेना है सोच समझ के, सवाल करके, शांति से लेना है। यह अपने से बड़ों का, अपने परिवारजनों का या पार्टनर का सहयोग उसमें अवश्य लेना है, जिससे आपका डिसीजन राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा और लॉस नहीं होगा। जल्दबाजी में जो डिसीजन लेंगे वो लॉस क्रिएट करेगा, टेंशन देगा, परेशानी देगा, काम को रोकेगा ही रोकेगा, इसलिए बहुत ध्यान देना होगा। अक्टूबर के माह में आपको अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। धीमे धीमे अब आपके लिए बदलाव, पॉजिटिविटी के रास्ते आपके खुलने लगेंगे। 15 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य प्रॉपर सपोर्ट करने लगेगा, तो नई उन्नति, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जॉब चेंज, प्रमोशन या अपने बिजनेस में विस्तार या कोई नई शुरुआत, कोई नया स्टार्टअप आप कर पाएंगे। शिक्षार्थियों को विद्या में अच्छा लाभ मिलेगा, आप अपनी स्टडी पर बड़े आराम से फोकस कर पाएंगे। इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर की कोई प्रोग्रेस चल रही है माइंड में, उस पर काम कर सकते हैं। इंडिया से बाहर हैं, परमानेंट वीजा, परमानेंट रहन-सहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगी। जो कोर्ट कचहरी के मामले, जो उलझन वाला मामला है, उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने से, किसी का सहयोग मिलने से चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। भूमि भवन परिवार के मामलों में, घर परिवार के मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, कोई भूमि खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, शुभ संकेत आपके लिए नजर आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ी टेंशनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ ईमानदार रहना होगा, लॉयल रहना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो इश्यू चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप में भी बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुल चलना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है।
छोटी छोटी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन, परेशानी हो सकती है, उसके लिए ध्यान देना होगा। कर्जा लेते समय बहुत सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ आपको अगर पॉसिबल है तो इस माह कर्जा ना लें। अगर आपको कर्जा लेना पड़े तो आप मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल भी आप कर्जा ना लें। साथ ही साथ अगर देखा जाए भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, सरकारी विभाग से भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी और अपने खान पीन, अपने टाइम टेबल पर, बहुत दिनचर्या पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रोग्रेस को, अपनी एफर्ट को अपने फेवर में करने के लिए इस माह जो आपको उपाय करना चाहिए, आपको सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराने के बाद, अगर पॉसिबल है तो भगवान का रुद्राभिषेक कराने के बाद, भगवान का अमृत अभिषेक कराने के बाद भगवान शिव का नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके सूर्य, और सूर्य यानी कि आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए राजाओं वाली पोजीशन पर काम कराते हैं। बड़े आइडिया, बड़े टारगेट लेकर के जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए आप प्रयास करते हैं। सूर्य राजा है सभी ग्रहों में और बड़ा बलवान, बड़ा दिव्य ग्रह है, जो कि आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके एफर्ट के लिए, आपकी लाइफ में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी सतत सपोर्ट कर रहा है। अक्टूबर का माह आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए फलदायी रहेगा। जो चीज़ें रुक गई थी, जो कार्य बनते बनते लगातार उलझन परेशानियों से रुक रहे थे, उन कार्यों में सफलता मिलेगी। मन से नेगेटिविटी को हटा करके अपने टारगेट पर, अपने ड्रीम पर फोकस करना होगा। लगातार परिश्रम, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जो असफलताएं मिल रही थी, अब वो आपके फेवर में हो जाएंगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। बिजनेस में विस्तार का, या बिजनेस में नया स्टार्टअप, नई शुरुआत, या अपने बिजनेस को बड़ी लेवल पर ले जाने के लिए, अच्छी ग्रो बनाने के लिए आप अच्छे आइडियाओं पर काम करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने से बड़ों का, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। लगातार जो पार्टनरशिप में दिक्कतें आ रही हैं, लगातार जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, लगातार जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, लव लाइफ में दिक्कत आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। धीमे धीमे अब आपके संबंधों में सुधार आएगा, स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। नौकरी पैसे वाले जातक जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन की बातचीत कर सकते हैं, सैलरी इंक्रीज के लिए बातचीत कर सकते हैं, यह समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस माह आपको आपका भाग्य का स्वामी आपकी प्रोग्रेस को, उन्नति को बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपने शत्रुओं से बच के रहना होगा। जो चीज़ें थोड़ी उलझन परेशानियां दे रही थी, उसमें आपको अपने कार्यों को, अपनी प्रगति को पूर्ण परिश्रम के साथ में, मेहनत के साथ में करना होगा। साथ ही साथ आपकी धन उपार्जन की स्थिति, इनकम और सोर्स के मामले में यह माह काफ़ी अच्छा जा रहा है। इनकम के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, धीमे धीमे इनकम और सोर्स आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कोई पैतृक संपत्ति आदि से कोई बंटवारा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसमें आपको आपका फेवर हो रहा है और आपको लाभ प्राप्त होगा। यह माह आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको 70% मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको अपनी उन्नति के लिए अपने परिवारजनों का सहयोग लेना चाहिए, बड़ों से बातचीत करके आपको काम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। विशेष उपाय जो इस माह आपको करना है, सूर्यवार के दिन तांबे के पात्र में गेहूँ डाल करके, कुछ पैसे डाल करके, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करके मंदिर में आपको दान दे के आना चाहिए।
और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके बुध, और बुध का गोचर आपके लिए आपकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। लगातार उलझन परेशानियां का जो दौर चल रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। आपके कार्यों में उन्नति और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपका काम बार बार रुक रहा है, काम में कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है बैठे बिठाए, वो अड़चन जल्द ही दूर होगी। मन को थोड़ा रिलैक्स रखना होगा, मन में नेगेटिविटी, मन में उलझने लगातार लगातार चलती रहेंगी। डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना डाउन हो जाएगी, जो डिसीजन लेंगे वो रॉन्ग लेंगे या गलत लेंगे या जल्दबाजी में लेंगे, तो बहुत सोच समझ के चलना होगा। इस माह आपको देखा जाए कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह इनकम और सोर्स के लिए अच्छा रहेगा, धन का उपार्जन होता रहेगा, आजीविका लायक धन आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ जो उलझन चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उसके लिए रिलैक्स होकर के ठंडे दिमाग से सोचना होगा क्या हमारी गलतियां हैं, क्या हमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना होगा। क्योंकि इस माह आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो लॉस परेशानी होगी, या कर्जा, या आपकी कार्यों में रुकावट, या आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जब असफल होंगे तो आपको नेगेटिविटी लगातार बनी रहेगी। उससे बचने के लिए आपको क्रमबद्ध सोच समझ के अपने बड़ों से, अपने परिवारजनों से, अपने आसपास के लोगों से जो आपको सही लगता है उससे बातचीत करने के बाद ही अपने काम को आगे करना है। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में अभी जो बाधाएं चल रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उसमें आपको शुभ संकेत नज़र आने लगेंगे धीमे धीमे। साथ ही साथ रिलेशनशिप में आपको बहुत प्राइवेसी रखनी होगी, बहुत सावधानी से चलना होगा, पार्टनर के साथ में लॉयल रहना होगा, पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो इश्यू आ रहे हैं उसका समाधान निकालना होगा, बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ शिक्षार्थियों को विद्या में विद्यार्थियों को सफलता का संयोग बनेगा, और आप अपने लेवल पर अच्छी सफलता के लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क सावधानी बरतनी होगी। जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, उन पर आपको लगातार ध्यान देना होगा, क्योंकि मन में जो नेगेटिविटी है वो दिमाग भी खराब रखेगी, सेहत भी खराब रखेगी, और हेल्थ में भी इश्यू क्रिएट करेगी। तो आपको हेल्थ में कोई मेजर इश्यू क्रिएट ना हो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस माह आपके लिए अपने लेवल पर जो आप उपाय कर सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में आपको दूर्वा घास चढ़ानी है, साबुत मूंग चढ़ानी है, और अगर पॉसिबल है तो ग्रीन कलर का वस्त्र भी गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है, और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 108 बार। अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं आप करते रहिएगा, बुधवार के बुधवार लगातार ये प्रयास आपको करता रहना है। साथ ही साथ अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात कीजिए ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और विवाह आदि का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे।
जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके शुक्र वीनस, आपकी प्रोग्रेस को आपके एफर्ट को चार चांद लगाने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में बेटर करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे करेंगे, विवाह शादी का संयोग बनाएंगे। जो परफेक्ट पार्टनर की तलाश थी उसमें आपके नए रास्ते खुल रहे हैं और जल्द ही आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो उलझन परेशानियां चल रही हैं उनसे निजात मिलेगा, यानी कि राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। आपको अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए नए नए प्रयास करने का लाभ प्राप्त होगा, यानी बिजनेस में कुछ अलग करना चाहते हैं, बिजनेस में विस्तार करना चाहते हैं, जॉब से आप बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहते हैं या जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आपके लिए बन रहा है। लगातार जो रुकावटें आ रही थी जॉब चेंज करने में, सैलरी इंक्रीज कराने में, तो उन चीज़ों में धीमे 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 सफलता का संकेत नज़र आ रहा है। आपको अपने लेवल पर प्रयास जो कर रहे हैं करते रहना है। साथ ही साथ आपको अपने परिवारजनों से भी सहयोग लेना चाहिए, बड़ों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। साथ ही साथ आपके धन का उपार्जन, धन की इनकम के लिए आपके बड़ों का सहयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर देखा जाए विद्यार्थियों को शिक्षा में कितनी सफलता मिलेगी, तो यह माह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ नए बदलाव लेकर के आ रहा है। आपकी स्टडी पर भी फोकस कराएगा, आपके रिजल्ट को पॉजिटिव कराएगा, और जो उलझन आ रही थी, स्टडी करने में दिक्कत आ रही थी, वहाँ आपको शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, यानी कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यह माह आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप आराम से प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी आपको मिल जाएगी। इस माह विशेष तौर पर आप अपने लेवल पर जो भी काम करना है उसको थोड़ी प्राइवेसी, थोड़ा सीक्रेट करना होगा। साथ में आप अगर पॉसिबल है तो आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऋण, कोई कर्जा लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। कागज कार्रवाइयों को बहुत ध्यान से देखना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं उन पर ध्यान देना होगा। शत्रुओं से बचने का प्रयास करना है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। अपने टाइम टेबल, अपने दिनचर्या पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। आप अगर पॉसिबल है तो इस माह अपनी प्रोग्रेस को अच्छा बनाने के लिए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, नए धन उपार्जन के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये उपाय आप अवश्य करें। शुक्रवार के दिन आपको अपने पास में जो भगवती का मंदिर है वहाँ जा कर के व्हाइट बर्फी का भोग लगाना है, छोटी कन्याओं को प्रसाद बांटना है, और अगर पॉसिबल है तो आप उनको कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे भी आप दे सकते हैं। इससे आपका आपकी प्रोग्रेस में काफ़ी कुछ नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, अक्टूबर के माह में किस प्रकार की उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके मंगल, मंगल का गोचर आपके लिए नए बदलाव, नई प्रोग्रेस लेकर के आ रहा है। जो नए आइडियाओं पे आप काम कर रहे हैं, जो माइंड में अलग अलग आइडिया आपके आ रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे सार्थक साबित होने वाले हैं। जो भी आइडिया पर आपको काम करना है जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। आप अपने आइडिया से अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए बातचीत कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर का माह आपके लिए वृश्चिक लगन,
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी कुछ नए बदलाव लेकर गया रहा है। शिक्षार्थियों को शिक्षा में लाभ मिलेगा, बड़ा कॉलेज मिल सकता है, अच्छी सीट मिल सकती है, इंडिया से बाहर जाकर के स्टडी पर पढ़ने जा सकते हैं, यानी कि बदलाव की जो स्थिति है आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव आपके भाग्य को सपोर्ट कर रही है, मान सम्मान को सपोर्ट कर रही है। आपका ऐश्वर्य, आपकी इनकम और सोर्स इस माह अच्छी होने वाली है। लगातार जो उलझन परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी और जल्द ही अच्छे बेनिफिट के साथ आप अपनी इनकम को, धन उपार्जन की स्थिति को पॉजिटिव बना पाएंगे। कई बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कई बार एफर्ट करने के बावजूद भी काम रुक रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का है, चाहे वो घर का है, या प्रॉपर्टी का है, या गाड़ी का है, तो उसमें अक्टूबर का माह काफ़ी नए बदलाव लेकर के आ रहा है। रिलेशनशिप को अच्छा करेगा, पार्टनरशिप को अच्छा करेगा, विवाह शादी के लिए योग बनाएगा। लगातार जो पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, अच्छा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, उसमें यह माह आपके लिए बदलाव लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन आपका बन चुका है, तो आपको संतान आदि के लिए भी सहयोग कर रहा है। आप अपने लेवल पर अपने बिजनेस को, नए स्टार्टअप को, नई शुरुआत को, या अपने बिजनेस में कोई नई ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यह माह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इंडिया से बाहर का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इंडिया से बाहर की कोई नई उपलब्धि चल रही है माइंड में, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इस माह विशेष तौर पर अगर देखा जाए, भाग्य का सपोर्ट मिलने से विदेश यात्राओं से धन लाभ रहेगा, जरूरी यात्राओं से भी आपको इनकम और सोर्स रहेगी, सरकारी विभाग से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं, यानी कि काफ़ी कुछ मिलाकर वर्ष 2024 में अक्टूबर का माह आपके लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दे रहा है। इस माह विशेष तौर पर और अच्छा करने के लिए अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी वेल्थ को बड़ा बनाने के लिए आपको लगातार हनुमान जी की सेवा, सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का आपको लगातार पाठ अपने लेवल पर करना चाहिए। आप नहीं कर सकते, अपने आचार्य से कराइए, किसी ब्राह्मण से अपने लिए लगातार आप सुंदरकांड का पाठ कराते रहिए और विशेष तौर पर हनुमान जी की सेवा करते रहिए। जो भी आप करेंगे हनुमान जी की सेवा से आपकी प्रोग्रेस, आपकी सफलताएँ, पदोन्नति, बड़े इनकम और सोर्स के रास्ते बहुत कुछ आपकी लाइफ में खोल देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रियस को आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके बृहस्पति जुपिटर। आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी सफलताओं के लिए, आपकी उन्नति के लिए अक्टूबर का माह काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए आपके कैरियर को, आपकी प्रोग्रेस को काफ़ी बेनिफिट में कन्वर्ट करेगा। आप अपने बिजनेस में चेंज, जॉब में बदलाव, नई इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर सकते हैं। अपने बिजनेस में नए चेंज, नए मूवमेंट से आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का, नए नए आइडियाओं का सहारा लेकर के आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। परिश्रम जो कर रहे थे, लगातार जो उलझन परेशानियां चल रही थी, वो अब धीमे धीमे दूर होंगी। स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस में विस्तार होगा। नौकरी पेशे वालों को जॉब चेंज में, सैलरी में इंक्रीज, या आपको उच्च पद की प्राप्ति के लिए सफलता के संयोग बन रहे हैं। विशेष तौर पर इस माह आपकी इनकम और सोर्स के मामले में काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ लाभ, यानी कि आपको इनकम और सोर्स के जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं और अलग अलग इनकम के लिए रास्ते आपके बन पाएंगे। अक्टूबर 2024 में आप अपने लेवल पर जो भी क्रिएटिविटी करेंगे, जो नए आइडियाओं पर काम करेंगे,
उसमें जल्दी बेनिफिट मिल जाएगा। पहले क्या था, प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट चल रही थी। विदेश की यात्राएं, बाहर के काम, बाहर से सफलता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आदि के कार्यों में भी संयोग बन रहा है। पर्सनल लाइफ में विवाह शादी के लिए अच्छे परफेक्ट पार्टनर की जो तलाश है वो पूरी होगी। जल्द ही एक लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएंगे। आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार के संकेत नज़र आ रहे हैं, यानी कि अच्छे इम्प्रूवमेंट के संकेत नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस माह आपको अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को अच्छा बनाने के लिए अपने बड़ों से, अपने परिवारजनों से बातचीत करके काम करना चाहिए। कोई पैतृक संपत्ति आदि का बंटवारा है, कोई प्रॉपर्टी का लाभ है, किसी आपको किसी प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट कचहरी, कोई झगड़ा परेशानी चल रही है, तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये माह आपके लिए नए बदलाव के रास्ते खोल रहा है। आपको अपने लेवल पर जो आप अपनी हेल्थ के प्रति, अपने कार्यों के प्रति जो सावधानी बरत रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देना होगा। यानी कि अपना टाइम टेबल, अपना खाना पीना, अपना रहन सहन, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेहत में थोड़ा अप डाउन रहेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस माह आप अपने लिए कोई लोन ले रहे हैं, कोई कर्जा ले रहे हैं, कोई ऋण ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपके कार्यों में जो गुप्त शत्रु हैं, आपके कार्यों में जो प्रॉब्लम करने वाले हैं, लगातार आपके लिए उलझन परेशानी बनाते रहेंगे, तो उसके लिए आपको अपने लेवल पर जितना हो सकता है अपने कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करके चलना चाहिए। और विशेष तौर पर इस माह जो आपके लिए अपने लेवल पर उपाय करके अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान का विशेष पूजन चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को आप पीले वस्त्र अर्पण कीजिए और अपनी कामना भगवान के चरणों में रखिए। और जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रियस को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रियस को, आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन, मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके शनि महाराज, और शनि का गोचर आपके लिए नए बदलाव, नए इम्प्रूवमेंट के रास्ते खोलेगा। लगातार जो उलझन परेशानियां चल रही हैं उनमें राहत मिलेगी। धार्मिक आयोजनों पर बिजी रहेंगे, धार्मिक गतिविधि लगातार लाइफ में चलती रहेगी। विशेष तौर पर आपका कार्य, आपकी प्रोग्रेस धीमे धीमे उन्नति की तरफ जा रही है। आपके कार्य में जो उलझन थी उनसे आपको रास्ते खोलेंगे और अपने आइडिया से अपने कार्य को विस्तार की तरफ ले जाएंगे, यानी कि बिजनेस में विस्तार कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, अपने कार्य में प्रोग्रेस करके धन उपार्जन की स्थिति को इनकम और सोर्स के मामले में पॉजिटिव बना पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलने से चीज़ें धीमे धीमे आपके फेवर में आने लगेंगी, लेकिन आपको जो आलस है, जो आपके मन में थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है, उनको दूर करके जल्दी से जल्दी अपने कार्य पर फोकस करना होगा और अपने कार्य पर गतिशील रहना होगा। आपका भाग्य सपोर्ट करेगा तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी। विवाह शादी में जो बाधाएं चल रही थी काफ़ी समय से, अब वो दूर हो जाएंगी। परफेक्ट पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलने के पूर्ण संकेत बन रहे हैं। कुंडली में विशेष तौर पर अगर देखा जाए, इनकम और सोर्स के मामले में रास्ते खुलेंगे। आपको अपने घर में सुख सुविधाएं, यानी कि अपनी लग्जरीज पर ही खर्चा करेंगे, अपने बच्चों पर खर्चा करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए घूमने फिरने पर, यात्राओं पर भी आपका खर्चा हो सकता है। इस माह आपको अपने जॉब चेंज में, नौकरी पैसे में परिवर्तन के लिए
अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए, इस माह आप अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रोग्रेस को बरकरार रखें। सरकारी विभाग से सहयोग मिलने के संकेत मिलेंगे या आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ का प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। रिलेशनशिप अच्छी होगी, पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके इनकम और सोर्स के मामले में भी रास्ते खुल जाएंगे। कहीं पैसा रुका हुआ है, किसी से पैसा लेना था, कहीं पैसा रुक गया था जो बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, उसमें भी नए संकेत नजर आ रहे हैं और आपका पैसा आपको प्राप्त होने का पूर्ण योग बनता है। आप अगर पॉसिबल है तो इंडिया से बाहर के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए या इंडिया से बाहर जॉब के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ से आपकी इनकम और सोर्स के मामले में अच्छे रास्ते खुल रहे हैं। MNC कंपनी या इंडिया से बाहर की कंपनी में आपको काम करने में ज़्यादा बेनिफिट का लाभ प्राप्त हो जाएगा। और जो उलझन चल रही है कैरियर में, जो आसपास के लोग आपके कार्य में रुकावट डाल रहे हैं, वो रुकावट भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ पर, अपने खाने पीने पर, अपने टाइम टेबल पर बहुत सावधानी बरतनी है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना होगा। इस माह जो विशेष उपाय करना है आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है और आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अर्पण करके आना है शनिवार के दिन। निश्चित आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी, निश्चित आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें ओनली 1 क्लिक में, 1 रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, विवाह शादी का संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके शनि महाराज। शनि का गोचर आपकी उपलब्धियों के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी कुछ नए बदलाव लेकर के आ रहा है। नए नए आइडिया, नए नए ड्रीम लेकर के नए नए टारगेट पर फोकस करेंगे। लगातार जो उलझन, दुविधा, परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी। शत्रु का दमन होगा, बीमारियों का दमन होगा और आप अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम करेंगे। थोड़ा आलस को दूर करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ को बहुत सावधानी से, बड़े संयम से चलाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में उलझन, पर्सनल लाइफ में दुविधा, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें लगातार आपके लिए परेशानियां दे रही हैं। विशेष तौर पर अगर देखा जाए, इस माह आपको अपने इनकम और सोर्स के लिए, अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, अपनी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। लगातार काफ़ी समय से दुविधाएं चल रही थी वो दूर होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ मिलेगा, सरकारी विभाग से सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट के संकेत नजर आ रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट मिल जाने से जो उलझन परेशानियां हैं वो दूर होंगी। विवाहित जीवन में अप डाउन रहेगा, शादी में अभी बाधाएं हैं, शादी में अभी लेट हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे से अच्छा रिश्ता हाथ से निकल रहा है तो उसके लिए अभी आपको वेट करना चाहिए, अभी शादी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। विशेष तौर पर इनकम और सोर्स के मामले में यह माह अच्छा रहेगा। आपकी इनकम को आपके धन उपार्जन के अलग अलग सोर्सेस बनाएगा और धीमे धीमे बिजनेस में विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जॉब चेंज, नौकरी पैसे में परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छा ऑफर आपको अगर अचीव होता है तो निश्चित आप उसे कैच कर सकते हैं और अपना चेंज करके अपना प्रमोशन, सफलता, एक अच्छी सैलरी पर आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, आपको इस माह अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, थोड़ा मन में नेगेटिविटी, थोड़ी दुविधा रह सकती हैं, उसके लिए आपको विशेष परिश्रम जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, उनसे थोड़ा तनाव नजर आएगा, थोड़ा आलस भी रहेगा,
तो आलस को दूर करके अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, निश्चित सफलता मिल जाएगी। अपने परिवारजनों से, बड़े जनों से या अपने घर वालों के साथ में मनमुटाव नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो नेगेटिविटी आ रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे परिवारजनों के साथ है, उसको आपको दूर करने का प्रयास करना है। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो आप अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को अच्छा करने के लिए शनिवार के दिन आपको शनिदेव को तेल अर्पण करना चाहिए, शनि के चरणों के दर्शन करना चाहिए, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, शनि की वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए जिसमें काला कपड़ा, आपको मस्टर्ड ऑयल और लोहे की कील, लोहे की कटोरी, कुछ सिक्के आपको शनिदेव के चरणों में अर्पण करने चाहिए। साथ ही साथ और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड कीजिए, इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें, इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात करें, ओनली वन क्लिक में, वन रिपीट में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, कितना भाग्य सपोर्ट करेगा, कितनी सफलताएं आपको मिलेंगी, कैसी प्रोग्रेस रहने वाली है, आइडिया में चार चांद लगेंगे या नहीं लगेंगे, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लग्नेश लग्नाधिपति राशि स्वामी हैं आपके जुपिटर, और जुपिटर का गोचर आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, काफ़ी कुछ बदलाव आपके लिए बन रहे हैं। वर्ष 2024 में अक्टूबर का माह आपके कैरियर के लिए, बिजनेस के विस्तार के लिए, जॉब चेंज के लिए अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। आप अपने लेवल पर अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक रखने का प्रयास करें। काफ़ी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है, आपस में जो मतभेद है, आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उससे बचने का प्रयास करें। अपने ड्रीम पर, अपने टारगेट पर फोकस करें। मन में जो नेगेटिविटी है उससे बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपको अपने बड़ों का मान सम्मान, अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पार्टनर से बातचीत और रिलेशनशिप को नॉर्मल करने के लिए, संबंधों को ठीक करने के लिए अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहना होगा। लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पार्टनर के साथ ईमानदार रहना होगा। थोड़ी गलती करेंगे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, थोड़ा शक करेंगे, आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपके संबंधों में बड़ा उतार चढ़ाव आ जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बैठाना होगा, बैठ के बातचीत करनी होगी। जो दुविधाएं, जो परेशानियां, जो नेगेटिविटी है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर से बैठ करके डिस्कस करना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। पार्टनर को मोरल सपोर्ट करना पड़ेगा, जो नेगेटिविटी आ रही हैं उन नेगेटिविटियों को दूर करने के लिए पार्टनर के साथ में ईमानदार रह करके, लॉयल रह करके संबंधों को ठीक किया जा सकता है। रिलेशनशिप में अच्छा होगा, विवाह शादी के संयोग बनेंगे, साथ ही साथ आपकी इनकम और सोर्स के लिए यह माह काफ़ी बदलाव लेकर के आ रहा है। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है बहुत सावधानी से लेना है, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है क्योंकि उससे लॉस क्रिएट होगा। साथ में अगर देखा जाए तो यह माह इनकम और सोर्स के लिए अच्छा है, कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है, कर्जा बिल्कुल नहीं देना है, बहुत सावधानी से आपको किसी भी चीज़ों पर काम करना है। आप अपने लेवल पर अपनी प्रोग्रेस को और अच्छा बनाने के लिए और अपनी लाइफ में एक नई एंजॉय के लिए, नई सफलता के लिए, भाग्य को और पॉजिटिव करने के लिए, जो चीज़ें लेट हो रही हैं उनको जल्दी शीघ्र से शीघ्र सिद्ध करने के लिए आपके अपने बड़ों जनों का सहयोग अवश्य लेना चाहिए। सलाह मशवरा करके, बातचीत करके चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बड़ों से, परिवारजनों से, उसे दूर करना चाहिए। साथ में आपका इनकम के मामले में यह माह अच्छा रहेगा और आपका भाग्य आपको 75% सपोर्ट करेगा, तो उलझने आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। जॉब चेंज में बेनिफिट मिल जाएगा, विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा। इनकम और सोर्स के मामले में यह माह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे,
इस माह आपको गौ सेवा करना चाहिए और गाय के लिए अपने वजन के अनुसार चारा डालना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रो से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।